जाऊंगा क्योंकि पार्लियामेंट 12 बजे 1 बजे रात तक चलता है, तो क्योंकि हमारे आप सब समाज के गौरव हैं, हमारे मंच में बैठे हुए समाज के सम्मानित हर राजनीतिक क्षेत्र से, क्योंकि दल भले अलग हो सकता है मगर दिल एक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी समाज के लोग उपस्थित हैं हम सब एक समाज के लोग हैं, हम लोगों की आत्मा एक है, हम लोगों का दिल भी एक है, हम लोगों की विचार भी एक है और हम लोगों की सोच भी एक है, उस विचारधारा से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति हर वक्त यही कहता है कि समाज में सम्मान समाज को कैसे मिले, हमारे समाज में नौजवानों को शिक्षा कैसे मिले, हमारा समाज कैसे आगे आए, हर वक्ताओं की और यहाँ पर उपस्थित हर नौजवान हर हमारे पिता कुल सबकी यही सोच रहती है, और उसी के लिए जो भी भंडारा होता है समाज में, क्योंकि हम खाने नहीं आते हैं यहाँ, हम आते हैं यहाँ कुछ विचार विमर्श करने के लिए, यहाँ जो उपस्थित होते हैं हम एक दूसरे के आचरण समझने के लिए कि हमको आगे क्या करना है, समाज की दिशा क्या है, समाज की दशा क्या है, समाज में सम्मान कैसे मिलेगा, उस विचारधारा से हम सब इस महाभंडारे में उपस्थित होते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम जब समाज के होते हैं तो वहां इतने बड़े पैमाने पे समाज के लोग नहीं इकट्ठा होते हैं, तो आज आप सब लोगों ने आजादी के बाद जो संघर्ष किया था उसी की बदौलत है कि मैं आज प्रतापगढ़ जैसे जगह से मैं सांसद चुना गया हूँ, आपके संघर्ष की ही बदौलत है, क्योंकि आप सब लोग निरंतर समाज में बैठकर आवाज उठाने का काम करते हैं कि हमारे समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज में दो तीन चीजों की आवश्यकताएं होती है, राजनीतिक भागीदारी प्रथम जरूरत है, क्योंकि राजनीति से ही समाज का सम्मान बढ़ता है। हमारे बच्चे अगर शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS हैं, IPS हैं, तब समाज का गौरव बढ़ता है। जैसे हमारे सारे वक्ताओं ने कहा, क्योंकि हम खाने नहीं, हम एक दूसरे के आचरण और समाज की दिशा और दशा बदलने के लिए ऐसे महाभंडारे में उपस्थित होते हैं जो भी दो चार घंटा, क्योंकि हर व्यक्ति हर समाज का व्यक्ति उसका समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपने महत्वपूर्ण समय से समय निकाल कर जब यहाँ उपस्थित होता है तो यही विचार विमर्श करने के लिए कि समाज को कौन सा दिशा दिया जाए। यहाँ जितने भी दल के लोग आए होंगे, दल भले अलग हो सकता है मगर समाज के लोगों का दिल एक है, यहाँ दिल एक है, विचार भी एक है और सोच भी एक है कि ज्यादा से ज्यादा हमें भागीदारी कैसे मिले राजनीति में, ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज में कैसे जनप्रतिनिधि हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि होना ही अपने समाज का एक गौरव कहा जाता है। जैसे कि आप सबने देखा कि 2017 में मैं प्रतापगढ़ से विधायक हुआ और 2019 में, क्योंकि राजनीति में मांगा नहीं जाता है मित्रों, राजनीति में छीन लिया जाता है, अपनी ताकत के बदौलत छीन लिया जाता है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि प्रतापगढ़ की धरती राजाओं की धरती है, आजादी के बाद वहां पे सिर्फ राजा हुआ करते थे मगर प्रतापगढ़ में आप सबके आशीर्वाद की बदौलत हमने इतिहास कायम कर दिया। अगर 2017 में मैं वहां से विधायक चुना गया तो 2019 में जो सारे राजाओं ने हमें हराने के लिए लगे थे, मैं 1.5 लाख वोटों से प्रतापगढ़ की धरती से सांसद चुना गया। आपके आशीर्वाद की बदौलत चुना गया, क्योंकि आप सब निरंतर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अकेले संगमलाल गुप्ता समाज का सम्मान नहीं बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को इस आंदोलन को जारी रखना पड़ेगा। जब तक ऐसे संगमलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश में सांसद नहीं होंगे तब तक समाज का सम्मान नहीं बढ़ेगा। संगमलाल 2022 का चुनाव है, आने वाला 2022 का जो चुनाव है, क्योंकि आप सबके बदौलत प्रताप इलाहाबाद प्रयागराज में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ा है, क्योंकि 3 महीना पूरे उत्तर प्रदेश का हमने भ्रमण किया था, माननीय जयकिशन साहू जी के भी घर पे गया था, इन्होंने भी हमको पूर्ण रूप से सहयोग दिया था, तो जितने भी समाज के लोग हैं पूरी ताकत के साथ 5 घंटे तक प्रयागराज पूरा जाम था, पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे समाज के लोगों ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया। मगर दुर्भाग्य है कि जैसे ही हमारा महारैली समाप्त हुई वैसे देश में संकट आ गया कोरोना काल का, मगर मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने संघर्ष किया है, समाज के लोगों ने संघर्ष किया
रहा हूं क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, बीडीसी का चुनाव है, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है, जो सारे चुनाव हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग चुनाव लड़ने का काम करें। जहां भारतीय जनता पार्टी से समर्पित कैंडिडेट खड़ा हो वहां भी मदद की जाएगी, जहां और भी दल से आपको समर्थन मिलता है वहां भी आप अपना पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएं। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं, जहां समाज के दो लोग वहां आपस में नहीं लड़े, उसका मुख्य कारण यही है कि अगर दो लोग लड़ेंगे तो तीसरे का फायदा होगा। इसके लिए आप लोग आपस में समझौता करें, इस बार हम आप लड़ेंगे, अगली बार आप लड़ लेना, तब जाके हमारी ताकत पूरी ताकत के साथ हम चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब हमारे प्रधान चुने जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे चेयरमैन चुने जाएंगे, तब जाके राजनीतिक दल अपने आप हमारे लोगों को भागीदारी देना शुरू कर देगी। क्योंकि हर दल देखता है कि समाज में आंदोलन किस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से आप लोगों ने आजादी के बाद, क्योंकि बहुत सारे समाज में हमारे सुधार भी आए हुए हैं, हमें मालूम है कि बचपन में जब हम जाया करते थे भात में तो दो दो चार चार छह छह घंटे तक पंचायत हुआ करती थी, खाना सूख जाता था, लाई चना चबाते थे लोग। मगर आज बहुत सारी जागरूकता आ गई है। पहले हमारे भात के जब प्रोग्राम होते थे तो मंच नहीं लगा करते थे, मगर अब ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जहां समाज का मंच नहीं लगता हो। मंच से लोगों को एक ज्ञान मिलता है, राजनीतिक चेतना बढ़ती है। मंच का कारण वही होता है कि जो आपके समाज में छोटे और बड़े राजनेता हैं, वो आपको एक मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। उनके मार्गदर्शन पे आप जब चलते हैं तो अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी चीज हो, मन में हौसला बुलंद हो, मन में आप अपने आप को कभी तेली मत समझना। मन में अपने आप को अगर बुलंदी लेके आपने दौड़ा तो आप एक राजपूत के इंसान हैं, क्योंकि मन ही दृढ़ है। जब आपको मैं एक उदाहरण हूँ, प्रतापगढ़ जैसे जगह से राजा और रजवाड़ों के जिले से जब मैं सांसद हो सकता हूँ, राजा और रजवाड़ों के जिले से जब मैं विधायक हो सकता हूँ, तो आप सब कहीं से भी जनप्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। आपके मन दृढ़ होने चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस मैदान में, जिस भी चुनाव में, चाहे बिजनेस हो चाहे व्यवसाय हो, क्योंकि हमारे समाज के लोगों ने इस देश को कुछ ना कुछ दिया है। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया और हमारे देश में, हमारे ही समाज से नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व और पूरे दुनिया में डंका बजाने का काम किया है, पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी समाज से हैं तो सबको टिकट क्यों नहीं दे देते, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी पूरी पूरी दुनिया के नेता हैं। अगर हमारी काबिलियत है, हमारे में हौसला बुलंद है, तो आप जब संगम लाल गुप्ता जैसे व्यक्ति को प्रतापगढ़ से टिकट दे सकते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं से टिकट दे सकते हैं। मगर आपको दृढ़ विश्वास रख के आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टिकट मांगा नहीं जाता, टिकट छीन लिया जाता है। अपने कर्तव्य से, अपने हौसले को बुलंद रखते हुए टिकट को छीन लिया जाता है। आप सबको मालूम है प्रतापगढ़ में बहुत सारे लोग टिकट मांगते थे, राजा मांगते थे, रानी मांगती थी, कितने लोग मांगते थे। मगर आपका ये भाई उतना मजबूत था कि पार्टी को देना पड़ा। इसके लिए मैं कहता हूं कि मन में दृढ़ विश्वास, मन में पूरी लगन हो। कहते हैं औसत होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुमान नहीं। अगर हम यहां बैठकर सुन रहे हैं, अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे, अगर हम बोल रहे हैं उसको धारण नहीं करेंगे, तो कोई भी चीज पूरी नहीं हो सकती। पूरा करने के लिए हमें दृढ़ विश्वास करना। जब हम दृढ़ विश्वास करके कदम बढ़ाएंगे तो मंजिल अवश्य मिलेगी। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, और एक अकेले संगम लाल गुप्ता समाज का सम्मान पूरी तरीके से नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को प्रदेश में 10 संगम लाल बनाना पड़ेगा, तब जाके समाज का सम्मान बढ़ेगा, तब जाके समाज का गौरव बढ़ेगा। क्योंकि राजनीतिक चीज एक ऐसी चीज होती है कि राजनीतिक अधिकार ही समाज को सम्मान बढ़ाता है। हमारे बच्चे शिक्षित हो, हम समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हम समाज में 10 समृद्धशाली लोगों के साथ हमारी संगत हो, 10 समझदार व्यक्तियों के साथ हमारी बैठक हो, उनसे हमको ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, जीवन जीने की कला सीखेंगे। आज हमारे नौजवान साथी राजनीति में बहुत आगे हैं, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप जब से चला हुआ है तब से बहुत सारे लोग उसमें एक्टिव हुए।
ऐसा नहीं है कि समाज हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, क्योंकि समाज के आंदोलन के चक्र बदौलत ही आज संगम लाल अगर उत्तर प्रदेश में सांसद हुए हैं तो समाज की बदौलत हुई, आप सबके आशीर्वाद की बदौलत हुई, आप सबकी कृपा की बदौलत हुए हैं। हमारे समाज के जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं इनके संघर्ष से मैं अगर सांसद बना हूं, से सीधे नहीं संगम लाल गुप्ता बन गए, कहीं ना कहीं पार्टी ने विचार किया होगा कितना परसेंट साहू समाज उत्तर प्रदेश में है और इतना संघर्ष करते हैं, इतनी आवाजें होती है, तो क्यों ना हम साहू समाज को भी इस बार लोकसभा का टिकट दूं। तो आप सबके संघर्षों के बदौलत में सांसद, आप सबकी मेहनत की बदौलत में सांसद हूं, और इसी तरीके से अगर आप लोग जागरूक होकर करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जो समाज का हमारे सर ऊंचा और सम्मान 10 गुना बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ।